देखिए ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में जैसे मैंने बताया कि भूख लगनी कम हो जाती है और धीरे धीरे हमारा वजन गिरना शुरू हो जाता है। तो हम लोग भी ये एडवाइज करते हैं कि अच्छी भोजन करें, अच्छा पौष्टिक भोजन करें, अच्छी कैलोरी का भोजन करें और उसमें प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा हों। प्रोटीन की चीज़ें हम देखिए जो वेजिटेरियन हैं उनको दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, दालें, ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए अंडा, मांस, मछली, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। तो जिस तरीके के भी आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो भी आपका भोजन का स्वाद है तो ये प्रोटीन की चीज़ें ज़रूर हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर जितना भी हो वो अपना हरी सब्जियाँ और फल का सेवन करें, उसमें हमको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फैट की चीज़ें भी खा सकते हैं, घी, मक्खन, दूध भी खा सकते हैं। लेकिन अगर एडल्ट हैं तो अगर वो वाकई बीमार हैं तो खा सकते हैं, लेकिन अगर उनको और बीमारी है जैसे मान लीजिए एडल्ट में कई बार डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर डायबिटीज़ की बीमारी है तो नेचुरली उनको अपने मीठे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जिनको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है वो कोई सी भी खा सकते हैं। तो सामान्यतः जो है अच्छा भोजन खाएं और सब तरीके का भोजन लें, और स्पेसिफिक भोजन लेने की जैसे अगर ये कहना है कि भाई सिर्फ ये वाला बहुत आवश्यक है भोजन, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जैसे कोई मान लीजिए वेजिटेरियन है, उसके लिए अगर कोई कहता कि नहीं भाई आपको अंडा लेना बहुत ज़रूरी है या आपको नॉन वेजिटेरियन फूड लेना ज़रूरी है इस बीमारी को दूर करने, ये बिल्कुल ही गलत है। तो भोजन अपने अपने स्वाद और रुचि के हिसाब से लें। हाँ, उसमें हमारे पास वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सभी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी पसंद है उस हिसाब से भोजन करें। कोई स्पेसिफिक भोजन रिकमेंड नहीं किया जाता।